हेलो एवरीवन, अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अशफाक शेख, वेल्डर ट्रेड इंस्ट्रक्टर। आज का जो टॉपिक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए हमें दो तरीके यानी दो प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले एयर लिक्विडिफिकेशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग एयर लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस को देखते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन के अलावा और भी दूसरी गैसेस होती है, इसीलिए इस प्रोसेस में तीन हिस्सों में बांटा जाता है, तीन हिस्सों में किया जाता है, या तो प्यूरिफिकेशन, लिक्विडिफिकेशन और डिस्टिलेशन। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि हवा को एक बड़े कंटेनर में जमा किया जाता है। उस कंटेनर को हम लोग वॉशिंग टावर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें और कास्टिंग सोडा की मदद से हवा को धोया जाता है। इसके बाद धोने से क्या होता है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और डस्ट पार्टिकल अलग होते हैं। बाद में इसको कंप्रेसर की मदद से 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है और ऑयल प्रूजिंग सिलेंडर और एल्यूमिनियम ड्राइव से गुजारा जाता है, जिससे यह होता है कि इसमें बची कुची कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वाइपर हो जाता है। सेकेंड, लिक्विडिफिकेशन। इसमें ऐसा होता है कि ड्राई, क्लीन और कंप्रेस एयर को इसमें लगे कॉलम्स में से लिक्विड एयर को गुजारा जाता है, ड्राई एयर को गुजारा जाता है। तो इसमें होता ऐसा है कि ड्राई एयर कूल और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप, डिस्टिलेशन। इसमें लिक्विड एयर के एलिमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। जैसे ही टेम्परेचर -195.80 सेंटीग्रेड पर आती है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। फिर जब टेम्परेचर -182.70 सेंटीग्रेड पर आती है, तो ऑर्गन गैस अलग हो जाती है। बची कुची उसमें लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर के बॉटम में जमा होती है। बाद में उसे हम लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर कंप्रेस करके उसको सिलेंडर में भर के इंडस्ट्री में सप्लाई की जाती है। यह है हमारा एयर लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोसेस। इसमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से गुजारा जाता है, जिससे पॉजिटिव पोल पर ऑक्सीजन और नेगेटिव पोल पर हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम और हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम हमें मिलते हैं। यह प्रोसेस अच्छा करने के लिए हमें कास्टिंग सोडा पानी में डालते हैं, मगर इस प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन प्योर नहीं मिलती, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जगह पर मॉइस्चर मौजूद होता है और ये प्रोसेस बहुत महंगा होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा होती है, इसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोसेस हम लोग एयर लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री की मांगें आराम से पूरी हो जाती है। आई होप आज का ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।